हाँ गाइज, आई एम सुरजीत मौर्य। हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। हम लोगों ने स्टार्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरह से प्रिपेयर करती हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में आज डिस्कस कर लेते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या होता है और इसमें कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है और किस तरह से इसको हम प्रिपेयर करते हैं और वह कौन कौन से आइटम्स हैं जिसको हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते समय। तो बताया गया है सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बताया गया है द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए एसेट अकाउंट। क्या है? द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट या रियल अकाउंट। नॉर्मली जो रियल अकाउंट हमारा होता है वो क्या होता है? एसेट अकाउंट ही उसको हम कहते हैं। ओके, विच शो द क्लासिफाइड समरी ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ ए कैश बुक। किसका? कैश बुक का एक क्लासिफाइड मतलब समरी रिप्रेजेंट करता है। जो होता है ना रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये नॉर्मली हमारा कैश अकाउंट ही होता है और इसमें थोड़ा रवा चेंजिंग हो किया जाता है और ये होता है हुबहू हमारा कैश अकाउंट की ही तरह है। एलोंग विथ द कैश एंड बैंक बैलेंस इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है वो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों, ओपनिंग बैलेंस कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट का भी हमारे ओपनिंग बैलेंस एंड कैश का भी, कैश इन हैंड जो हमारा होता है उसका भी ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों शो करता है। जो ओपनिंग बैलेंस शो करेगा वो वर्ष के बिगिनिंग में और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आएगा वो ईयर के एंड में आएगा। ओके, बताया गया है इट इज एन एसेट अकाउंट विच शो ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। यह एक क्या होता है? एक ऐसा एसेट अकाउंट होता है जो कि ऑल रिसिप्ट्स एंड ऑल पेमेंट, चाहे वह रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो करेंट पीरियड का हो, चाहे या वह प्रीवियस पीरियड का हो, चाहे वो फॉलोइंग आने वाले पीरियड का हो, उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। मीन्स एक अकाउंटिंग पीरियड में हम जो भी जहाँ से भी रिसिप्ट करते हैं या पेमेंट करते हैं उसका ट्रांजेक्शन हम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में करते हैं। ओके, बताया गया है फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। यहाँ पर फीचर्स दिया गया है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट का कुछ, बताया गया है पहला इट स्टार्ट विथ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? यह ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक से स्टार्ट होता है। ओके, इट इज डेबिटेड विथ ऑल सम्स रिसीव्ड। जितने भी सम्स हम रिसीव्ड करते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में उसको हम क्या करते हैं? उसको हम डेबिट करते हैं। रिसिप्ट हम कहाँ से करेंगे? रिसिप्ट जैसे हम मान लीजिए कहीं से हम चंदा डोनेशन रिसिप्ट कर रहे हैं, तो डोनेशन रिसिप्ट करने की जनरल एंट्री अगर हम पास करेंगे तो क्या बनेगा? ठीक, यहाँ पर कैश अकाउंट हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू जहाँ से हम रिसिप्ट कर रहे हैं। मीन्स अगर हमको डोनेशन रिसिप्ट हो रहा है तो जनरल एंट्री हम पास कर देंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट, इसको हम क्या करते हैं? इसको डेबिट टू डोनेशन जहाँ से हमको मिला होगा। ठीक है, डोनेशन मिला होगा, डोनेशन फीस मिला होगा तो फीस कर देते हैं। ठीक, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जब हम एंट्री कर देंगे तो टू डोनेशन जितना हमें मिला होगा इसको हम डेबिट साइड में लिख देते हैं। ओके, यानी जो भी हमें रिसिप्ट प्राप्त होगा उसको हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। डेबिट साइड किधर होता है आप लोगों को पता है, जब हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो इस साइड हमारा डेबिट साइड होता है और इस साइड हमारा क्रेडिट साइड होता है। ओके, तो और फिर उसके बाद बोल रहा है क्या,
इट इज क्रेडिटेड विथ आल सम्स पेड आउट, जो भी हम पेमेंट किए होंगे उस अकाउंटिंग पीरियड में उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इधर बाई करके हम लिखते हैं, ठीक है, बाई करके डेबिट साइड में उसको, क्रेडिट साइड में उसको हम लिखते हैं। जैसे सपोज करिए हमको एक्सपेंसेस करना है, कोई चीज़ हमें एक्सपेंसेस करना है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इस तरह से हम जरा एंट्री पास करेंगे और उसको क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, पेमेंट की एंट्री, पेमेंट की एंट्री, पेमेंट को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। देखिए चूंकि आप लोग कॉन्सेप्ट पहले समझिए कि हमारा बताया गया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, ओके, और रियल अकाउंट का ए रूल होता है कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, क्या कहते हैं, रियल अकाउंट का हमारा ही फंडा होता है ना, कम्स इन डेबिट कर देते हैं, जैसे कैश आ रहा है तो कैश को हम डेबिट कर देंगे और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे, ये हमारे अकाउंटिंग का प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल रूल है। तो इसी तरह इसमें क्या करेंगे, जो कहाँ से कैश आएगा उसको हम डेबिट साइड में ऐड कर देंगे और जब कैश जाएगा तो उसको क्रेडिट साइड से लेस कर देंगे, ओके, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में उसको लिख देंगे। तो फिर उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट दिया गया है, इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट वेदर दे आर ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, यानी इसमें वो सभी पेमेंट एंड रिसिप्ट की हम ट्रांजेक्शन करेंगे, एंट्री करेंगे, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ओके। इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट वेदर दे रिलेट टू करेंट ईयर और नॉट, ठीक, मतलब इसमें वो सभी रिसिप्ट एंड पेमेंट को इंक्लूड हम करेंगे, चाहे वो इस ईयर से रिलेटेड हो या प्रीवियस ईयर से या करेंट ईयर से या फॉलोइंग ईयर से, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर हमारा आता है इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम नॉन कैश आइटम को इंक्लूड नहीं करते हैं, लाइक डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन हमारा क्या है, नॉन कैश आइटम है जिसको हम इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इंक्लूड नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं इसको। और बताया गया है इट एंड विथ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक से इसको हम क्लोजिंग कर देते हैं, बंद कर देते हैं अकाउंट अपना, जो बैलेंस हमारा बच के आता है वो हमारा कैश होता है या तो बैंक बैलेंस होता है और हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है। आइए फॉर्मेट देख लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, और यहाँ देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इस तरह से हम बनाते हैं, और फॉर द ईयर एंडिंग किस वर्ष के लिए हम बनाते हैं, हम मान लेते हैं 31 दिसंबर 2019 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और ये हमारे जो आइटम्स होते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ पर दिया गया है, ओपनिंग वाले पहले हमारा सबसे पहले होता है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का, फिर उसके बाद हमारा सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसिप्ट हुआ होगा, सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का रिसिप्ट हो सकता है, सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का, फॉलोइंग ईयर का, कोई भी नहीं, जो भी जितनी भी अमाउंट आएगी तीनों वर्ष का हम इसमें लिख देते हैं। और इंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, लीगेसी और डोनेशन फॉर बिल्डिंग, रेंट, जहाँ से हमको कैश रिसीप्ट हुआ होगा यहाँ पर हम सबको लिखते हैं जहाँ से लाइव मेंबरशिप फीस, जनरल डोनेशन, ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, जहाँ से भी हमको रिसीप्ट होगा उसको हम यहाँ लिख देते हैं। और जो भी हम पेमेंट किए रहेंगे उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट साइड में हमारा ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है जो किसका होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट का होगा, तो यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, हालांकि ऐसा कभी कभी होता है लेकिन हो सकता है, ठीक। फिर उसके बाद एनुअल स्पोर्ट एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस का प्रीमियम का जब हम पेमेंट करेंगे उसको हम यहाँ लिखेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, सैलरी या वेजेस का पेमेंट करेंगे, रेंट रेट्स टैक्स का पेमेंट करेंगे, स्पोर्ट इक्विपमेंट जब हम परचेज करेंगे, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स जब हम परचेज करेंगे, यानी जहाँ हमने पेमेंट किया है उसको हम क्रेडिट साइड में एड करते चले जाते हैं, उसकी एंट्री हम करते चले जाते हैं। हम लोग आइटम को देख लीजिए, और इसका जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है वो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक
होता है। लेकिन कभी कभी हमारा इसका ये जो होता है क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। देखिए क्रेडिट बैलेंस और डेबिट, हमें कैसे पता चलेगा कि एक डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। अगर डेबिट साइड अधिक होता है क्रेडिट साइड से तो इसका मतलब क्या है, अगर डेबिट साइड अधिक है और क्रेडिट साइड कम है तो इसका मतलब हमारा कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। लेकिन अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस क्या है, अधिक है, ये हमारा अधिक है और ये हमारा कम है डेबिट बैलेंस, तो हमारा कौन सा बैलेंस होगा, हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा। ओके, जो अधिक होगा वही हमारा बैलेंस कहा जाएगा, यहाँ डेबिट बैलेंस हो जाएगा। और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का अकाउंट होता है वो हमेशा नॉर्मली वो डेबिट बैलेंस ही शो करता है, क्योंकि ये हमारा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट ऑलवेज शो करता है किसको, डेबिट बैलेंस को। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कभी कभी क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है, जब हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो। ठीक, आइए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बताया गया है फ्रॉम दी फॉलोइंग गिवन इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 का हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का दिया गया है जो कि 3,000, 2,000 और 3,500 रुपये है। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट किए हैं 2017 का 500 रुपये, 2018 का 1,000 रुपये और 2019 का 200 रुपये। यानी 2018 में हमने रिसिप्ट किया है कितना, 1,700 रुपये रिसिप्ट किया है, जिसमें से 200 रुपये 2019 का हुआ है और 500 रुपये कहाँ का है, 2017 का है। यानी 2018 में हमने कितना रिसिप्ट किया है, 1,700 रुपये। ठीक, और सैलरी का पेमेंट किए हैं, एडमिशन फीस, ड्रामा एक्सपेंसेस, बुक्स परचेज्ड, यानी ये सब आइटम्स हैं। आइए तो हम इसकी एंट्री करते हैं, वहाँ अपना इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम अपना प्रिपेयर करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स। ठीक, तो पहले हमारे पास क्या है, डेबिट बैलेंस है कैश एंड बैंक का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 ओपनिंग बैलेंस, या तो हम लिख देते हैं बैलेंस बीडी। ठीक, बैलेंस बीडी हमारा हो गया, कितना है कैश का भी हमारे पास है 2,000 रुपये और जो हमारे पास बैंक का ओपनिंग क्लोज ओपनिंग बैलेंस है वो हमारे पास है 3,500 रुपये। फिर इसके बाद हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन, हमें मिला हुआ है सब्सक्रिप्शन इन साल, सब्सक्रिप्शन हमें मिला हुआ है 1,700 रुपये, जिसमें से 500 रुपये प्रीवियस ईयर का है, 1,000 करेंट ईयर का है एंड 200 रुपये हमारा कहाँ का है, फॉलोइंग ईयर का। फिर उसके बाद हमारा जो है सैलरी पेड हमने किया है, तो सैलरी पेड तो इसमें इस साइड हम लिखेंगे सैलरी पेड, सैलरी का हमने कितना पेमेंट किया है, सैलरी का हमने 1,500 रुपये पेमेंट किया है। फिर हमारे पास एडमिशन फीस है, एडमिशन फीस हमारा क्या है, रिसीव्ड है। ये 200 रुपये के आसपास है, देख लेते हैं इसको, 300 रुपये है। ठीक है, एडमिशन फीस हमारा 300 रुपये है। फिर ड्रामा एक्सपेंसेस हुआ है, बुक्स परचेज किए हम 400-700। बाई ड्रामा एक्सपेंसेस हुआ है 400 रुपये और हम बुक्स परचेज किए हैं बाई बुक्स कितने का, 700 रुपये। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। फिर उसके बाद हमारा है न्यूज पेपर, हमने परचेज किया है
और लाइफ मेंबरशिप के समय में सब्सक्रिप्शन मिला है कितना 150 और 1200 का। न्यूज हमने परचेज किया है 150 रुपये का। न्यूज़पेपर बाई न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद हमको मिला है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस हमने रिसीव्ड किया है 1200 रुपये का। फिर डोनेशन रिसीव्ड हुआ है 1700 का। फिर सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट हमको रिसीव्ड हुआ है 400 रुपये का। ठीक, डोनेशन रिसीव्ड हुआ है और सब्सक्रिप्शन 1700 का हमको डोनेशन रिसीव्ड हुआ है। फिर 400 रुपये का सब्सक्रिप्शन टूर्नामेंट के लिए प्राप्त हुआ है। टू सब्सक्रिप्शन। फॉर टूर्नामेंट के लिए। फिर इसके बाद क्या हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स का हमने पेमेंट किया है 100 रुपये। चैरिटी गिवेन, चैरिटी हमने दिया है कितने का, 500 रुपये का पेमेंट है ना। ठीक, तो बाई म्युनिसिपल टैक्स हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं और बाई सेल ऑफ न्यूज़पेपर, जिसको हम टू में करेंगे क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, रिसीव्ड हो रहा है सेल ऑफ न्यूज़पेपर। कितने कितने का है, 100 रुपये 1000, और फिर इसका बाई चैरिटी हमने दिया है। तो इस समय इस तरह से हम आसानी से प्रिपेयर कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फर्नीचर हमने क्या किया है, परचेज किया है, और फिर उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड बेड्स हमने सेल किया है। ओल्ड बेड्स कितने का, 100। यहाँ पर तो हमने अमाउंट हमने लिखना है, यहाँ पर भूल गए हैं, और हम एक आर्टिफिशियल अमाउंट यहाँ पर ले लेते हैं। हम मान लेते हैं क्या है, सेल ऑफ ओल्ड बेड्स हमारे पास 100 रुपीज़ है और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना है, 200। और फिर उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कॉस्ट जिसकी इतना है 10,000 रुपये, इसको हमने 8,000 रुपये पर सेल कर दिया है। ओके, फिर हमारा बेड्स एंड बाल परचेज हमने किया है कितने का, हम 1,000 रुपये मान लेते हैं। ओके, और 10% टूर्नामेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट सब्सक्रिप्शन कितना मिला हुआ है टूर्नामेंट कराने के लिए, 400 रुपये मिला हुआ है। तो हम सपोज करते हैं 400 रुपये को ही हमने क्या कर दिया है, इन्वेस्टमेंट कर दिया है उसी का। इंटरेस्ट मिला हुआ है 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना, हम मान लेते हैं पहले से भी कुछ कोई टूर्नामेंट फंड का जो होता है इन्वेस्टमेंट रहा होगा और उस पर हमको इंटरेस्ट मिला हुआ है कुल 500 रुपये, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक, और फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने परचेज किया है कितने का, 600 रुपये का। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नर पार्टी, फिर उसके हमारा है कितने का, 1,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इसको हम रिसीव्ड कॉलम में शो कर देंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम इसको पेमेंट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में,
और फिर हमने हमको ये क्या मिला हुआ है, इंटरेस्ट मिला हुआ है, इसको हम कहाँ करेंगे, रिसिप्ट कॉलम में लिखेंगे। और यहाँ पर हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पर हम इसको पेमेंट कॉलम में लिख देंगे। और बैट्स एंड बॉल हमने क्या किया है, परचेज्ड किया है, यानी एक इसको क्या है, पेमेंट कॉलम में। और सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर यहाँ पर ये हमारा रिसिप्ट हुआ है। और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ये हमारा क्या है, पेमेंट है। और सेल ऑफ ओल्ड बैट्स ये हमारा क्या है, रिसिप्ट है, ये हमारा पेमेंट है। तो हम इस तरह से इस कॉलम को लिखते हैं और इसको हम यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों साइड में लिख लेते हैं। और फिर हम उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक हो सकता है, ठीक। तो हम अपने इस वीडियो लेक्चर में आप लोग इस अकाउंट को कंप्लीट कर लीजिएगा। हमने लिख दिया है कौन कौन सा आइटम किस साइड में जाएगा, फिर उसके बाद आप दोनों साइड को मैच करिएगा और जो बैलेंस बचेगा वो हमारा या तो क्या हो सकता है, डेबिट बैलेंस हो सकता है, कैश इन हैंड या बैंक एट कैश एट बैंक, या तो हमारा क्रेडिट बैलेंस हो सकता है जिसको हम ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये दो बातें हो सकती हैं, आप लोग उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो हम अपने इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक डिस्कस करते हैं और इसके आगे के पॉइंट को, इनकम जो कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक।